नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा गौर, आप सभी का स्वागत है द नगरी न्यूज में। भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर और साउथ वेस्टर्न कमान मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के संयुक्त तत्वाधान में इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन विषय पर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय मानक ब्यूरो की निदेशक और प्रमुख कनिका कालिया ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य MES द्वारा किए जा रहे कंस्ट्रक्शन की गुणवत्ता बढ़ाना था। कार्यक्रम में सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित भारतीय मानकों और नेशनल बिल्डिंग कोड के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा अधिकारियों को सिविल इंजीनियरिंग के मानकों से संबंधित लैब टेस्टिंग और नेशनल टेस्टिंग लेबोरेटरी का एक्सपोजर द्वारा करवाया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में MES के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अरुण अनंत नारायण के अलावा कार्यक्रम में साउथ वेस्टर्न कमांड MES के 60 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो समय समय पे अपने स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेजमेंट करता रहता है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए देश भर में ये पहला ऐसा एंगेजमेंट है जो हमने किया है। हम इसमें इनके साथ मानकों पे चर्चा करेंगे, किस तरह से मानकों को ये अपने दैनिक कार्य में, जो कंस्ट्रक्शन ये लोग करते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसमें किस तरह से मानकों को अधिक रूप से यूज़ कर सकते हैं, कैसे वो मानकों को पहचान सकते हैं और किस तरह से मानकों के संवर्धन में और उनकी क्वालिटी की को बढ़ाने के लिए ये कार्य कर सकते हैं, इस तरह का हम लोग आज चर्चा करेंगे। जयपुर में इस तरह का पहला एक आयोजन है जो हमने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ किया है। इनफैक्ट देश में भी इस तरह का पहला आयोजन है, तो काफ़ी आशाएं हैं कि इस तरह के आयोजन आगे भी हम लोग करते रहेंगे। अब हम लोग कई तरह के स्टेक होल्डर्स के साथ कर रहे हैं। अभी हमारा एक आयोजन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ भी हुआ था, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी हुआ था, हॉर्टिकल्चर के साथ भी अभी हमने प्रोग्राम किया था। तो BIS तो हर तरह से क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एंगेजमेंट्स करता रहता है। धन्यवाद।